जिंदगी में पूरी गलतियां करते करते अंतिम पन्ने की गलती यदि सुधार लेता है व्यक्ति, तो अंजन चोर जैसा जिंदगी भर का किया हुआ कर सब भूल गए और अंत में जो था फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब उल्टा करो, लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। यानी 31 तारीख से आपको जागरूक होना है। सारे भारत को एक संदेशा जो दिया था, आज पुनः दे रहा हूं, 31 तारीख से आपको सारे जैनियों को, सारे जो हमारे भक्त हैं अजैनों को भी सबके लिए, 31 तारीख से हर व्यक्ति को एक ही नियम लेना है। हमने साल भर कुछ भी खाया, कहीं भी खाया, 31 तारीख को हम अपने घर पर ही भोजन करेंगे 31 तारीख को, क्योंकि लास्ट में पूरा साल भर कहीं भी कुछ भी हुआ घर में आकर बनाओ तो उसकी सिद्धि होती। दूसरा, 31 तारीख को घर नहीं रहना है तो प्रत्येक भक्त जो आज तक है किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के 31 तारीख व्यतीत करे। तो साल भर में यदि आपने तीर्थ वंदना नहीं की तो अंतिम में जो तीर्थ वंदना होगी 31 तारीख को, वो साल भर की तीर्थ वंदना के बराबर होगी। तुम्हारे गुरु महाराज जहां हो गुरुओं के सानिध्य में 31 तारीख को ही अपना वहां डेरा डालना। बस एक ही है, 31 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं खाएगा, होटलों में नहीं रुकेगा, गार्डनों में हिल स्टेशनों पर घूमने नहीं जाएगा 31 तारीख को, क्योंकि वह तुम्हारा अंतिम दिन है, हिसाब का दिन है, भूल चूक सुधारने का दिन है, भूल चूक सुधारने का दिन है। अंत मता सुगता, अंत में जैसी मति हो जाए वैसी गति हो जाती। तो 31 तारीख से ही प्लानिंग बनाइए। माताओं से कहना है, महिलाओं से कहना है, माता अपने बेटों से कहे, बेटा पर साल भर मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, 31 तारीख को तू घर में ही भोजन करेगा या फिर तीर्थ यात्रा पे जाके जो भोजन करें, अपन सब चलते हैं या महाराजों के पास जाके चलें 31 तारीख को। महिलाएं भी अपने पुरुषों को प्रेरित ना करें कि नए वर्ष पर हिल स्टेशन पर ले जाए, महिलाएं ज़्यादा प्रेरित करती हैं, उनसे एक ही बात कहना है मेरा, 31 तारीख को अपने पूरे परिवार को कहें या तो घर में रहेंगे या फिर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे या महाराज के पास चलेंगे, तीन के अलावा चौथा कोई स्थान है तो सीधा ऊपर चलेंगे, वो तुम्हारी मर्जी, वो मेरा नहीं है, उसके लिए कौन रोक सकता है। तो 31 तारीख से ही अपने धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दिए और अंत मता सुगता, लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। 31 तारीख तुमने धार्मिक कर दिया तो 1 तारीख को तो तुम्हें धार्मिक होना ही है, 2 दिन का आपको अभिषेक मंदिरों में करना ही है। साल भर नहीं करा, 31 को जरूर करना, साल भर नहीं करोगे तो कम से कम 1 जनवरी को तो जरूर करोगे। इसलिए 31 और 1 सभी तीर्थ क्षेत्रों पर आप लोग आयोजन मनाएं। आप लोग पहुंचोगे तो कमेटियां भी तैयारियां करेंगे, आप सूचना दीजिए उनको कि 2 दिन हम फलाने तीर्थ पे आ रहे हैं, जहां तुम्हारे साधु संत रुके हैं वहां की समाज से कीजिए हम 2 दिन के लिए वहां आ रहे हैं, और नहीं तो अपने घर में रहिए कोई बात नहीं। 1 तारीख को और 31 तारीख को जहां भी तुम हो वहां नियम से आपको अभिषेक करना ही है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का तो 1 पंथ 2 काज, 1 जनवरी को ही भूगर्भ से निकले हुए इन 51 जिन बिंबों का समोषण 1 तारीख को, सैकड़ों हजारों साल के बाद 1 तारीख का उनका प्रथम अभिषेक हुआ था। सैकड़ों साल से जमीन में रखी हुई थी, सैकड़ों साल से, और उनको किसी ने अभिषेक पूजन कुछ नहीं किया, 1 तारीख को 1 जनवरी को ही हजारों कलशों के द्वारा, कम से कम बहुत 10-20 हजार गिनती नहीं थी, लाइन लगती थी यहां से कम 300-400 मीटर, 500 मीटर, आधा आधा किलोमीटर की। जब पहली बार इन भूगर्भ मूर्तियों का अभिषेक हुआ था मैं वही ज्ञानोदय में था, तो 1 जनवरी को तो वहां जाकर के 1 पंथ 2 काज, 1 तो 1 जनवरी, और आज भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय तीर्थ क्षेत्र है
तो वो कौन सा है? ज्ञान। क्षेत्र की अपेक्षा, प्रभावना की अपेक्षा, वहां के वातावरण की अपेक्षा सब तरफ से है। और दूसरा कार्य, एक जनवरी को ही भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों का प्रथम अभिषेक हुआ हो, और वो मूर्ति तो भारत की सबसे ज्यादा, मैंने बहुत बार की, वर्तमान में अभी जितनी मूर्तियां हैं सबसे ज्यादा एनर्जी फुल मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है, जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेडी में अजमेर के बाद स्थित है। ऐसी मूर्ति का अभिषेक यदि तुम्हें 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दोनों को मिला तो अच्छा है। 1 जनवरी की शुरुआत इस पावरफुल एनर्जी वाली मूर्ति के अभिषेक से आप करिए, साल भर आप में भी पावर बना रहेगा। अच्छा किया सुकांत भैया ने वहाँ कार्यक्रम किया 1008 कल से। क्या मैं तो कहता हूँ कि जिनको विशेष एनर्जी चलती है, 1000 नहीं 1000 कलशों से अभिषेक करें। अपर और 1 तारीख को भी कोई भी व्यक्ति जैनी, मैं कम से कम आदेश दे सकता हूँ, अजैनों को उपदेश है, 1 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटलों में घूमने नहीं जाए। शुक्र के दिन, अच्छे दिन, मैंने सभी कह दिया, होटल वाले सब मेरे नाराज हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आपका उत्थान करना है, आपका मंगलिक। साल भर के लिए मैं तुम्हें पाबंद नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी मजबूरियां हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं, तुम्हारे थोड़े मनोरंजन भी हैं, तुम्हें घूमने का मन भी करता है, हिल स्टेशन पर घूमने का मन करता है, होटलों में जाने, वो तुम्हारे मन की, मैं कभी आपको इंटरफियर नहीं करता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी को साल भर सफल बनाने के लिए मां 2 दिन के लिए सचेत कर रहा हूं, इन 2 दिनों के अंदर आप होटल में ना जाएं, होटल का ना खाएं, हिल स्टेशनों पर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, किसी हिल स्टेशन किसी होटल में यदि मैं खुजवाऊं तो उसमें कहीं जैनी का नाम नहीं मिलना चाहिए कि यहां जैनी भी घूमने आया। सारे तीर्थ क्षेत्र में जहां तुम्हारी तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था बने, सारे तीर्थ क्षेत्रों पर 2 दिन व्यतीत करो, उसके बाद देखो आपका उसका क्या चमत्कार होता है, क्या अतिशय होता है। इसमें इनमें हो उनमें क्या रखा है, जहां परिणाम बिगड़ते हैं, राग द्वेष बिगड़ते हैं, बर्बादी होती है। होटलों में रुककर तुम क्या कमा के लाओगे, धन भी गया पुण्य भी गया बंदा पाप। मंदिर में जाओगे, मान लो दान दोगे तो धन ही जाएगा, लेकिन पुण्य कमा करके ढेर सारा लाओगे, कुछ तो कमाओगे। मान लो तुम अभिषेक भी करोगे तो परिणाम निर्मल होंगे, पुण्य का बंध होगा, कितनी बड़ा लाभ है। तो इन स्थिति बात में, और हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल घारी होटलों में नियम बन जाए कि 1 तारीख को तो होटलों में ताले लग जाए। सारे भारत की जनता के नाम भी संदेशा है, 1 तारीख को ऐसा माहौल बनाओ हिल स्टेशन पर कोई भारतीय नहीं मिलेगा। सारे विश्व में ये तहलका मच जाए कि 1 जनवरी को 31 तारीख को कोई भी भारत का व्यक्ति ना होटलों में मिलेगा, ना हिल स्टेशन में मिलेगा, ना गार्डनों में मिलेगा, सारे भारतीय अपने अपने तीर्थों पर, अपने अपने घरों में और अपने अपने गुरुओं के पास मिलेंगे। इससे तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, इससे तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, तुम्हारे साल भर का सगुण हो जाएगा कि साल तुम्हारी मंगलमय निकलेगी, इसलिए कह रहा हूं। तो चलिएगा, पूरे देश के लिए पुनः एक बार पूज्यवर की सिंहनाद हो गई है, सिर्फ एक ही नहीं 31 और 1 दोनों तारीखों को वही फॉर्मूला आपको बनाना है जो पूज्यवर ने कहा है, या तो परिवार के साथ रहो, या फिर गुरु के पास रहो, और या फिर तीर्थ क्षेत्र में रहो, और दोनों दिन अभिषेक अवश्य करो, इधर वर्ष की विदाई करो, उधर वर्ष का स्वागत करो प्रभु के अभिषेक के साथ। और मित्रों, आज जो भी कुछ हो रहा है 31 तारीख के नाम पर, व्यसनों का आगमन हो रहा है, नव वर्ष का आगमन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी व्यसनों की तरफ आकर्षित हो रही है, आज पूज्यवर मार्ग दिखा रहे हैं, और ये पूरे भारत के लिए संदेश है, जैन हो या जैनेतर हो, हमें इन व्यसनों से दूर होना है, और सशक्त चरित्र की समाज
हमें बनानी है, सच्चे भारतीय बनना है। विदेशियों का, पाश्चात्य संस्कृति का हमें कोई भी पिछलग्गू नहीं बनना है। और देखिए तो सही पूज्यवर, आज सरकारें भी बदल रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, नई सरकार आई है और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूज्यवर सबसे पहले आते ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है। और वो अभियान है कि प्रदेश में खुले में बिना अनुमति के मांस मछली के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई गई है और धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार के सामने एवं 100 मीटर की दूरी के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाएगा जहां मांस बिक्री मछली बिक्री हो। पूज्यवर, इस विषय पर आपका ये उम्मीद हमें नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से उस समय जागी थी जब हमारा देश का प्रधानमंत्री जब विदेश गया तो पर्व के दिन थे और वहाँ का अनाज शुद्ध नहीं मिल रहा था खाने को, तो 9 दिन नींबू और पानी पर व्यतीत करके आया था। जैसे हमने आज सुबह कहा था ना कि तुम्हें इतना कर लो कि अभिषेक के समय आप ट्रेन में भी हैं तो भोजन पानी चाय पानी नहीं करना, क्योंकि ये मेरे अभिषेक का समय है। पर्व के दिनों में उन्होंने विदेश में जाकर के ये दिखा दिया कि हम शाकाहारी लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन मांसाहार से समझौता नहीं कर सकते। और आज जो मध्य प्रदेश ने जो आज आते ही मुख्यमंत्री ने किया, बहुत बड़ा हम धार्मिक लोगों को, क्योंकि हम लोग सज्जन लोग होते हैं, पूर्ण खुले में मांसाहार बिकना ये बहुत बड़ा निकृष्ट काम था। पाप तो सभी होते हैं, 2 नंबर में जब पाप होता है तो वो तो अनादिकाल से होते आए, जब 1 नंबर में पाप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह दिन दूना रात चौगना पड़ेगा। एक बार किसी ने जुआ के ऊपर, शराब के ऊपर पाबंदी हटा दी तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कही आपने शराब पे पाबंदी, बोले महाराज लोग पी तो रही थे, सरकार को नुकसान था इसलिए अच्छा कह रहे पियो को हमें सरकार को बोल दो। दूसरी जगह की बहुत पहले की बात है, ऐसा करो चोरियां तो हो ही रही हैं, चोरों को खुली खोज ना करो, खूब चोरी करो, कमी इतना टैक्स सरकार को दे दो, कभी चोरी तो हो रही है आपके पाबंदी के बाद भी हो रही है, पर टैक्स ले लो चोरों से। उन्होंने 10 करोड़ की चोरी की, इतने % टैक्स मार दो, वो चोरी वैलिड है। मर्डर तो हो ही रहे हैं, हो रहा है कि नहीं, तो क्यों का कानून छूट दिया है? जिसको मारना है मारो, इतना टैक्स भर देना और मर्डर करो। हिला दिया मैंने उनको। सरकारी छूट होना, खुला बिकना, कितने लोगों, यदि ये पाबंदी हो गई बहुत अच्छी बात है। और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर का कानून, हालांकि ये कानून कोई नया नहीं बना है, ये कानून पुराना था जिसको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। और कौन फॉलो नहीं कर रहा था? आप लोग कोतवाली में शिकायत नहीं कर रहे थे। कानून है कि 100 मीटर के पहले धार्मिक स्थल पर मांस और शराब की दुकान नहीं हो सकती। बहुत अच्छा, उन्होंने कम से कम उस चीज को उजागर किया। यादव जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी मुख्यमंत्रियों के लिए ये संदेशा, आप लोग भी शुरुआत अहिंसा से करें और अहिंसा की शुरुआत करोगे अच्छे कार्यों से, राजगद्दी पर बैठते कोई अच्छी सूचना मिली जिससे साधुओं का मन प्रसन्न हुआ, यही तो मैं कहता हूं कि शुरुआत अच्छे से करो और धर्मात्मा यदि तुमसे खुश हो गया तो हजारों पाप भी तुम्हारे 2 मिनट में माफ करा देगा और माफ हो जाता है। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत। और वैष्णव की बात जहां तक इन्होंने कही, वैष्णव की मुक्ति, उनसे भी मेरा कहना है, सारे शराब पीने वालों से कहना है, इन 2 दिन के अंदर इतनी शराब पी जाएगी, इतनी कि बहुत ज्यादा। और मेरा वही कहना है, साल भर पियो या नहीं पियो तुम्हारी मर्जी, कम से कम 1 तारीख को और 31 तारीख को ये 2 दिन शराबी व्यक्ति शराब न पिए, इतने ही छोड़ देवे तो भी मैं मानूंगा कि उसके कल्याण की कोई गुंजाइश कभी सुधर जाएगा। 2 तारीख को नहीं पीना,
एक तारीख को शराब से शुरुआत नहीं, जुआरी जुआ नहीं खेले, गुटखा वाला कम से कम दो दिन के लिए गुटखा छोड़ दे, 31 तारीख और 1 तारीख को हम गुटखा नहीं खाएंगे। जो भी जो मिशन करते हैं जुआ, 31 तारीख और 1 तारीख को भारत में कहीं कोई जुआ न खेले। तो इन विषयों से मुक्ति भी यदि हम कुछ शुभ शगुन के दिन भी यदि हम अपने आप को विषय मुक्त कर लें तो उसका संकेत ये होता है कि एक ना एक दिन हम संपूर्ण विषयों से मुक्त हो सकते हैं, ये और उसी में जोड़ लेना चाहिए। चलिए बहुत जरा तालियों के साथ इस बात का अनुमोदना करिएगा। और बात चल रही है व्यसन मुक्त राष्ट्र की, बात चल रही है हमारे राज्यों में जिस प्रकार से जागरूकता आ रही है, बात चल रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो विदेश में भी जाके नवरात्रे पढ़ते हैं तो नींबू और पानी पर रहता है। तो आज उसी अवसर पर हमारे बीच में एक शख्सियत पधारी हुई है और वो शख्सियत है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी के पिताजी बसंत गुप्ता जी, जिन्हें ADGC के पद से नवाजा गया है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा और हम अनुरोध करेंगे पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करते हुए आशीर्वाद लेंगे और पूज्यवर का आशीर्वाद भी मिला है। और चलिएगा हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आवाज देंगे सार्थक जैन छिपी टोला, अपना प्रश्न रखेंगे। आप लोग देखे महानुभाव, अभी जो मैंने विषय मुक्ति की बात कही, देखें आज ये देश किनके कारण सुरक्षित है। ऐसे पिताओं के द्वारा अपने बेटों का बलिदान दिया जाता है तब तुम शांति से बैठे। हर पिता को अपना बेटा प्यारा होता है, ऐसे कितने पिता अपने बेटों का बलिदान करते हैं तब तुम इस देश में आजाद रहकर रहते हो। और ऐसे ऐसे बलिदान की कीमत पर आजाद देश पर तुम शराब पी करके नया वर्ष मनाओगे, तुम व्यसन करके नया वर्ष मनाओगे, तो इन शहीद आत्माओं को क्या होगा। जिस देश को हम प्राण देकर रक्षा करते हैं वहां के लोग उस देश में इस प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं तो उन शहीदों की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। और शहीदों की आत्मा जब माफ करेगी कि हमने जिस देश को आजाद किया है आज वो देश में लोग व्यसनों से मुक्त होकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये भी एक संदेशा इनके माध्यम से हम राष्ट्र के नाम देते हैं। अति सुंदर। और पूज्यवर ने आज शहीद कैप्टन शुभम जी के पिताजी का सम्मान किया और साथ में पूरे राष्ट्र को भी व्यसन मुक्ति का आह्वान किया। आइए, मैंने आवाज दी थी सार्थक जैन, अगर वो पे आ जाए। और मैं अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र जैन जी, देखो गुप्ता जी की किससे भिड़ते हुए आतंकवादियों से, यदि वो आतंकवादी अंदर आ जाता कितनों के प्राण लेता, कितने नेताओं को मारता, कितने धार्मिक स्थलों को उजाड़ता, कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे को रोकने में अपने प्राण दान दिए, ऐसे लोगों के लिए अपनी सदा शुभकामनाएं देते रहना चाहिए। अभी 15 दिन पहले बता रहे हैं ना, 15 दिन पहले नए लेटेस्ट ये है स्थितियां। नमोस्तु महाराज जी, चुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अगर किसी मंदिर से पहले किसी मंदिर जी से प्रतिमा लाई गई हो और फिर पंच कल्याणक के बाद उस मंदिर जी में नहीं पहुंचाया जाए तो क्या दोष लगता है और समाज पर इस वजह से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता महाराज जी। यदि दोनों कमेटियों में सामंजस्य है तो ये व्यवहारिक आदान प्रदान है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन यदि दोनों कमेटियों में कोई राग द्वेष हो गया, तुमने लिए नहीं वापस करना, करो क्या करना है, तो फिर ये गलत है। मूर्ति लाई गई वापस करना चाहिए, लेकिन दोनों कमेटी में सामंजस्य बैठ गया है कि नहीं कोई बात नहीं आपको मूर्ति वहीं पर रखिए, तो ये कार्य धार्मिक कार्य सामंजस्य से होना चाहिए। इन कार्यों में यदि एक कमेटी दुखी है दूसरी अपना अधिकार जता रही है तो नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ता है।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती मीनू जी जैन गाजियाबाद और साथ में श्री नरेंद्र जैन जी गाजियाबाद, दोनों ही साथ में आ जाएं और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव सागर जी महाराज की जय। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। गुरुवर मेरी एक प्रश्न है कि मैं नियम ले लेता हूँ मंदिर में जाकर, और फिर कई बार नियम कुछ अगर टूट जाते हैं तो मैं उसका अपने अनुसार उसका प्राचित भी ले लेता हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो भैया माइक पर ध्यान दीजिए। छोटे मोटे अपने नियम है, तात्कालिक ब्रास से लेते हो ठीक है, वो ही अच्छा है। नमस्ते 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 गुरु जी, ड्राई फ्रूट्स में एक अंजीर आता है, क्या वो हम लोग ले सकते हैं? नहीं, अंजीर अवक्ष होता है, बहुत मिठास था उसमें इतनी होती है कि तुरंत ही उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, त्रस जीवों का नहीं लेना चाहिए। नमस्ते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सूचना हम दे रहे हैं, दोनों आज यहाँ पर लोकोदय के लिए कुछ राशि नगद लेकर आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ट्रस्टी गण हैं या बैठे हुए संजीव जी और ये सब लोग आकर लोकोदय ट्रस्ट के लिए जो भी राशि है वो कृपया स्वीकार कीजिएगा और आप लोग तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा और इनका स्वागत भी करिएगा। और भी लोकोदय के लिए बहुत सारी घोषणाएं, हम कुछ देर के बाद पुनः आएंगे, लेकिन एक और जिज्ञासा के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिनेश जी एतमादपुर आगरा। मुनिश्री को नमोस्तो, चुल्लगी महाराज को इच्छामी। मुनिश्री, भावलिंग और धर्मलिंग में क्या अंतर है और वर्तमान में कौन से साधु पाए जाते हैं? भावलिंग और धर्मलिंग में क्या अंतर है और वर्तमान में कौन से साधु पाए जाते हैं? भावलिंगी और धर्मलिंगी का अर्थ है, कभी काल नहीं गया जिस समय सभी साधु भावलिंगी हो, ऐसा कभी भी कोई काल नहीं आया सभी साधु द्रवलिंगी हों। दोनों प्रकार के, मैंने एक दिन कहा था, जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ रामचंद्र जी जैसी महान आत्मा है वहाँ रावण जैसी दुष्ट आत्मा भी है, जहाँ श्री कृष्ण जैसे हैं वहाँ कंस भी हैं, जहाँ साधु हैं वहाँ डाकू भी हैं। सदा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे साधु भावलिंगी हों, और कभी ऐसा काल भी नहीं आया कि द्रव्यलिंगी ही साधु हों। हमने अभी परसों ही कहा था, कोई यदि पापी तुम्हें दिख रहा है और पुण्यात्मा नहीं मिला तो निर्णय कर लेना चाहिए दुनिया में कोई पुण्यात्मा भी है, क्योंकि ये पापात्मा है। कोई भ्रष्ट साधु है, दुर्जन है, तो निश्चित समझना चाहिए सज्जन भी कहीं ना कहीं है। तो ये और सज्जन मिल जाए तो नियम से समझना चाहिए इस दुनिया में दुर्जन भी कहीं ना कहीं है। तो ऐसा कोई युग नहीं आया जहाँ सज्जन और दुर्जन दोनों ना पाए जाते हों, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, आज भी दोनों प्रकार के साधुओं की उपलब्धि है। चलिए, और मैं आप अनुरोध करूंगा श्रीमती रजनी जैन छिपी टोला, आइएगा अपनी जिज्ञासा लीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमो चिल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी बेटी की जिज्ञासा है कि उसने बत्तामर के व्रत लिए हैं, वो अष्टमी और चौदस कर नहीं पाती, तो क्या वो संडे को व्रत कर सकती है? क्या अष्टमी चौदस का जो उनका पहले से नियम तो नहीं है? नहीं, तो कर सकते, फल लगेगा महाराज जी, कर पुण्य लगेगा, कर सकते हैं, बस पुण्य पुण्य क्या है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिएगा, और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सम्यक जैन पठारी आ जाए अपनी जिज्ञासा को उधर ही पहुंचे। गुरुवार जी के आगे मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि अपने पाप के उदय को खत्म करके पुण्य का उदय कैसे बढ़ाया जाए, और अपन रोज धंधे और कुछ भी काम करते हैं उसमें हजारों झूठ बोलते हैं, उसके लिए महाराज जी उसका दोष। देखो, पाप का घटाने के लिए पुण्य घटाओ। जब आपके शरीर में लोहित तत्व कम पड़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? आयरन वाली चीजें खाओ,
पुण्य की हीनता है तो पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य क्रियाएं बढ़ाओ, अपने परिणाम अपने मन वचन का ऐसे अच्छे कर्म करो, और उसके लिए जो करते हैं इतना ध्यान रखो कहीं हमारे झूठ से सामने वाले का सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, हमारे झूठ बोलने उसकी जिंदगी ना बन जाए। चोरी उसकी थाली में से कर लो, जिसकी थाली में चोरी करने पर वो भी भूखा नहीं रहेगा, मैं भी मेरा भी पेट भर जाएगा। उसकी थाली से चोरी मत करो कि तुम्हें तो रोटी मिल जाए और उसको भूखा सोना पड़े, कम से कम इतना तो करना चाहिए। मैं चोरी को बैलेट नहीं कह रहा हूँ, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। कम से कम इतना ध्यान रखें गलत करते समय कि हम तो झूठ बोल के बच जाएं, उसको फांसी लग जाए, ठीक है हम भी बच जाएं और वो भी बच जाए। इस प्रकार के झूठ बोलते हैं तो वह झूठ झूठ तो है लेकिन निकृष्ट नहीं है, ऐसा ध्यान रखें। श्रीमती शिमला जी जैन जयपुर आइए। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि धर्म करने के बाद भी यदि जीवन में समस्याएं कम नहीं हो तो बच्चों का विश्वास ढगमगाने लगता है, तो ऐसे में बच्चों का विश्वास कैसे बनाए रखें भगवान? उनसे कहना कि अधर्म करने पर भी यदि समस्याएं कम ना हो तो अधर्म से भी विश्वास डगमगाना चाहिए। नमोस्तु। उसे ये कहो कि धर्म करने से नहीं हुआ तो धर्म, तो अधर्म करने पर जो संकट आते हैं उनसे विश्वास डगमगाना चाहिए। मान लो धर्म करने से किसी ने दान दिया तो उसका घर बिक गया, तो कभी यदि तुमने जुआ खेला तो घर बिक गया तो जुआ पर से विश्वास उठ जाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी भ्रमना है, धर्म करने से थोड़ा सा काम नहीं हुआ साहब मैंने धर्म से विश्वास उठा लिया। अरे अधर्म करने से कितने काम बिगड़ते हैं तो अधर्म से विश्वास क्यों नहीं उठता? किसी कोई मर जाता है दिन में तो साहब हमारे लिए हमने तो मंदिर जाना छोड़ दिया, दिवाली के दिन कोई मर गया तो हमने दिवाली मना छोड़ दी। अच्छा क्यों कोई मर, तो मकान में कोई मर गया तो मकान भी छोड़ दो। अरे जिस दिन मर गया कोई शादी में गया और मर गया तो भाई आज के बाद हमारे यहाँ कोई शादी में नहीं जाएगा क्योंकि हमें शादी फलती नहीं है। तो अधर्म कार्यों में भी ये लगा ले तो उन बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए। चलिए और अगली जिज्ञासा के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी के पिताजी ADGC बसंत गुप्ता जी, आइएगा और अपनी जिज्ञासा पूज्य श्री के समक्ष रखिएगा। परम पूज्य आदर के योग्य संतजन, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज दूसरी बार आपके दर्शन का लाभ मिल रहा है। मेरे मित्र जिनकी आज पुण्यतिथि है, राजकुमार जैन, उन्होंने पिछले समय MD जैन में आपके दर्शन का लाभ मुझे दिया था। आपके आशीष से हम ठीक हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आज से ठीक एक महीने पहले, आज ही के दिन 22 नवंबर को पुत्र की शहादत हुई। गुरुजन वो एक ही बात कहता था, करो काम ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कदम ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी हम सभी काट लेते हैं, जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए। उसकी मिसाल को हम कायम रख सकें,
उसके सपनों को हम पूरा कर पाए, ये शक्ति ये सामर्थ्य के लिए आपके आशीष की बहुत बहुत जरूरत है। उसके अरमान तो उसी दिन अपन ने पूरे कर दिए जिस दिन उसने आपके यहाँ जन्म लिया था, और जन्म उसकी होनहार पहले से ऐसे कुल में लिखा के लाया जिस कुल के माता पिता उसको सैनिक बनाने के लिए अनुमति दे दें और उस मार्ग पर भेज दें। और कहीं यदि वो जन्म लेता तो शायद माँ बाप उसको वहाँ नहीं भेजते, वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, वो राष्ट्र के लिए वो मिसाल नहीं दे पाता। चलो तो ऐसे चलो जहाँ निशान बन जाए, जियो तो ऐसे जियो कि मसाल बन जाए। ये जो जोश होते हैं ये कुदरत से बच्चों के अंदर आते हैं, और आज उसने जो कुछ भी किया वो कोई साधारण चीज में अपन को अपना वियोग हुआ है, दुख होता है, लेकिन उसने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाया, राष्ट्र की रक्षा पर जो प्राण देते हैं वे नियम से मर करके राजा और महाराजा होते हैं। कौन होता है छत्री, कौन होता है छत्री, किसको मिलता है छत्री कुल में जन्म? उन्हों को जिन्होंने मन में यह भाव आता है कि मैं मर करके भी इस प्रजा की रक्षा करूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है गुप्ता जी का, कौन होता है घर का मुखिया जो कभी ये मानते हैं कि मर करके भी हम परिवार की रक्षा करेंगे? कौन होता है देश के लिए बड़े राजा महाराजा जिन्होंने कभी भाव किया होगा कि मैं देश के लिए मर सकता हूँ? तो जो सैनिक लोग हैं जो मरते हैं, ये कोई आज तक किसी भी साथ में किसी सैनिक की दुर्गति नहीं मिली है, किसी की भी। पूरे मैंने जितने मजहब हैं सब शास्त्रों को पढ़ा, और हर समुदाय के शास्त्रों में योद्धों का वर्णन आया, चाहे वो महाभारत के नाम से आए, चाहे वो रामायण के नाम से आए, किसी भी नहीं। एक भी सैनिक को, जितने सैनिक मरण को प्राप्त होते हैं उनकी कभी भी एक भी नहीं लगा कि ये दुर्गति को प्राप्त हुए। हाँ, जो सैनिक अत्याचार पर लड़े, अनीति से लड़े, दुर्योधन आदि, पर दुर्योधन की दुर्गति पिताश्री ताश्री, अब ताश्री किस पक्ष में थे? दुर्योधन के पक्ष में नहीं थे, हस्तिनापुर की गद्दी के पक्ष में थे। तो ऐसा कंसेप्ट हमने सारे शास्त्रों में देखा कि जो सैनिक होते हैं उनकी तो नियम से मर करके सदगति होती है, और ऐसे लोगों को मरकर कर्म वहाँ भेजता है जो हजारों लाखों पूरी जनता की रक्षा करते हैं। आज उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहता तो अपने प्राण बचा सकता था लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण दे दिए हैं। नियम से कर्म ने उसे ऐसे राजा के यहाँ पैदा किया होगा जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करने का उत्तरदायी हुआ हुआ। ये सिद्धांत है, कौन व्यक्ति किसके लिए मरा है, कर्म उसे वही चीज देता है। किसके लिए मरा? राष्ट्र के लिए मरा, राष्ट्र देगा। परिवार के लिए मरा, परिवार देगा। पाप के लिए दिया, पाप देगा। किसके लिए मरा, एक बॉन्ड पॉइंट देता हूँ, वो किसके लिए मरा, सारे जगत के लिए मैं कह रहा हूँ। आप किसके लिए मरे? आप धर्म के लिए मरे, कर्म तुम्हें धर्म स्थान पर पैदा करेगा। आप राष्ट्र के लिए मरे, राष्ट्र का राजा पैर बनाएगा। आप किसी पाप के लिए मरे, शराब पीते हुए मरे, तो आपको ऐसे शराबी पापी कुल में पैदा करेगा जहाँ पर तुम्हारा बाप तुम्हें शराब पी के पैदा करेगा, तुम्हें धर्म मिलेगा ही नहीं वहाँ। तो ये अपने यहाँ एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बेटा राष्ट्र की रक्षा करते हुए बना है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जनता का रक्षा करने वाला प्रजापालक बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, और यही अपन को साहस रखना चाहिए, और यही हमें गर्व रखना चाहिए कि हमारे पास जो बेटा था हम उसको इतना बड़ा होदा नहीं दे सकते थे, आज राष्ट्र के लिए मर करके उसने मरने के बाद वो होदा प्राप्त कर लिया जो अपन जिंदगी भर नहीं दे पाते। यही
सब एक साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही पुण्य दिन है कि हमें ऐसे व्यक्तित्व से मिलना हुआ। और आइए आगे बढ़ते हुए, समय कम है लेकिन कुछ घोषणाएं हैं वह पहले करना चाहेंगे। आज लोकोदय के लिए एक और अच्छी घोषणा हमें मिली है, श्रीमान दिनेश कुमार जी, रजत कुमार जी, ऋषभ कुमार जी जैन छिपी टोला परिवार के द्वारा 51 कलश की राशि का दान घोषित किया गया है। खूब खूब अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ ही। और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे दान राशियां बाहर से बराबर आ रहे हैं। भूदान के रूप में एक कलश, एक श्रीफल की राशि यानी 1,11,000 की राशि अंकुर जैन, रुचि जैन, रिदम जैन, एएलटी सेंटर गाजियाबाद की तरफ से आई है। और इसी श्रृंखला में एक और राशि 1,08,000 रुपए की संतोष जैन, मनीष जैन, नेहा जैन, अर्णव जैन, रियांशी जैन, रोहतक हरियाणा की तरफ से भूदान के रूप में आई है। बहुत बहुत अनुमोदना। अगर ये परिवार यहाँ हो दिनेश कुमार जी का तो कृपया आ जाए, हम स्वागत करना चाहेंगे। और इसी श्रृंखला में आज 2024 का एक नवीन कैलेंडर बनकर आया है जिसका विमोचन करने के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं नरेश कुमार जी, योगेश कुमार जैन परिवार, मनोज कुमार जैन, बल्लो बाबू, अलका जैन, ऋषभ जैन, वंश जैन। आप सब लोग कृपया करके आ जाइएगा और 2024 का नया कैलेंडर, जो रंगारंग कैलेंडर है, वो कृपया उसका आपके सौजन्य से विमोचन यहाँ पर होगा। बहुत बहुत साधुवाद, शीघ्रता से आइए। लास्ट ले लूँ एक, एक और मैं अंतिम प्रश्न के लिए चल रहा हूँ। श्रीमती रिंकी जैन छिपी टोला आ जाए। रिंकी जी छिपी टोला है, हाँ माइक पहुंचाएं। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जब महिलाएं मंदिर नहीं जाती तो किस दिन अभिषेक लगा सकती हैं? महिलाएं अभिषेक, महिलाएं जब मंदिर नहीं जाती तो किस दिन अभिषेक लगा सकती हैं? किससे, किस दिन गंधोदक लगा ले सकती हैं या लगा सकती हैं? अच्छा, गंधोदक उस अशुद्ध दशा में तो नहीं लेना चाहिए, उस दशा में नहीं लेना चाहिए। तो किस दिन महाराज जी, किस दिन लगा सकते हैं? रजस्वला पीरियड के बाद ये। अब वो हमारे लिए संबंध नारे नहीं, आप बता दो। 5 दिन महाराज जी बता रहे हैं। अब वो दिन आप लोगों का मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मुझे। और उसमें कई और बातें छुल्लक जी बताएंगे आपको प्रवचन में। मतलब यूं मान लो, जब तक आप लोगों को अशुद्धि है, अशुद्धि के 1 दिन और सही कुशल निकालना चाहिए। यदि फिर अशुद्धि नहीं हो तो फिर धार्मिक क्रियाएं कर सकते, ऐसा। चलिएगा और जरा ये देखिए, विमोचन हो रहा है, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत ही सुंदर कैलेंडर है। सबसे पहले ये कैलेंडर अब पूज्य श्री को सामने दिखाएंगे और उसके बाद एक एक कॉपी आप लोग रख के ले जाएंगे और आज यहाँ वितरण अन्य को भी होगा। पूज्य छुल्लक श्री के प्रवचनों के बाद होगा वितरण। सभी लोग लेकर जाइएगा, अपने घरों में लगाइएगा। और इसमें देखिएगा बहुत सुंदर चित्र, चांदखेड़ी का दिख रहा है मुझे, शायद सांगानेर का दिखाई दे रहा है। और आरती के लिए हम बुलाना चाहेंगे आज प्रथम आरती का सौभाग्य श्रीमान दिनेश कुमार जी, रजत कुमार जी, ऋषभ कुमार जी जैन छिपी टोला परिवार यहाँ पर आ जाए पूरा परिवार। और यहाँ पूज्य श्री को श्रीफल चढ़ाने के बाद आरती करें और इधर यह परिवार भी जाकर
आशीर्वाद ले ले। आइएगा आरती का परिवार आ जाए, दिनेश कुमार, रजत कुमार जी, ऋषभ कुमार जी का परिवार, सिर्फ यही परिवार आगे आएगा, बाकी कैमरे के पीछे रहेंगे, आगे नहीं आएंगे, कैमरे के पीछे रहेंगे। हाँ, और आदरणीय गुप्ता जी से भी अनुरोध करेंगे, वो भी आरती के लिए पहुंचे आगे। देखिए आगे केवल वही परिवार आएंगे जो पुण्यार्जक परिवार हैं, बाकी सब पीछे रहिएगा। नमो अरिहंतार्णम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयरियाणम, नमो वाज्यायाणम, नमो लोये शवशाहूर्णम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज छुल्ल गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। आशा जैन कोटा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक में क्या अंतर होता है? सिद्धांतानुसार तप और ज्ञान तप में ही आते हैं, क्योंकि वो मुनियों की कोटि में आते हैं। सिद्धांत में अरहंत पद नहीं होता। सिद्धांत ग्रंथों में साहु और सिद्ध सीधे दो ही पद होते हैं। अरहंत पद भक्ति में, श्रद्धा में, व्यवस्था में, चरणानुयोग की व्यवस्था है। सैद्धांतिक जो ग्रंथ हैं उनमें मुनि को पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मुनियों के पांच भेदों में अरिहंत को लिया है। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा, पूज्यपाद स्वामी ने इसकी उत्थान का बनाई, मुनियों के ये पांच भेद हैं। तो स्नातक में अरहंत आते हैं जो मुनि ही हैं, इसलिए सिद्धांत की अनुक्षा अपेक्षा तो दीक्षा से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक तपस्वी ही हैं। लेकिन चरणानुयोग की व्यवस्था से उनको अलग भेद किया गया। जो तप है वो छद्मस्थ होते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं होते हैं, केवल ज्ञान उनको होता नहीं है, और कर्म घातिया कर्मों से सहित होते हैं, 18 दोषों से सहित होते हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं। और अरहंत जो हैं 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं। इस प्रकार का दोनों में दो तरीके से भेद करना, सिद्धांत में अभेद है और चरणानुयोग में भेद है, ऐसा मानना चाहिए। करीमा जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हम जैन समाज के लोग कभी विशिष्ट अतिथियों को बुलाते हैं जो कभी शाकाहारी नहीं होते, और उनके लिए हम भगवान के या पूज्य गुरुदेवों के चित्र देते हैं, तो क्या वह अभिनय कर सकते हैं, और अभिनय होता है तो देना चाहिए कि नहीं? क्या चित्र फोटो वगैरह जो मांसाहारी लोग होते हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में आते हैं? मेरी दृष्टि से उनकी विश्वास देख लेना चाहिए। यदि वो ले जाकर के फेंक देते हैं, लगा देते हैं, तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि प्रायः प्रायः हमने देखा, आप नेताओं को तस्वीरें देते हैं, वे सब जाके कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। इसलिए उनको उसी हिसाब से दो जिससे उनको
कोई श्रद्धालु होते हैं नेता, जो ले जाकर के अपने मूल स्थान पर लगाते हैं, उनको देना चाहिए, और जब बिल्कुल ही मांसाहारी आदि हैं तो नहीं देना चाहिए। विवेक जैन जावर जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा सैनिक मरण करते समय उनका कौन सा गुण स्थान था? चौथा गुण स्थान। राजा सैनिक का मरण चतुर्थ गुण स्थान में हुआ, क्योंकि वो छायक सम्यक दृष्टि थे और छायक का गुण स्थान चौथे से नीचे कभी जाते नहीं है। इंदु कुमार जी इंदौर तिलक नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भारत के अधिकतर दिगंबर जैन मंदिरों में चमत्कार और एनर्जी कम हो रही है, अधिकतर मंदिरों में वास्तु दोष पाया जाता है, महाराज श्री एक प्रवचन सिंगला श्रृंखला व उद्बोधन मंदिर के वास्तु दोष पर अगर आपके मुखारविंद से हो जाए तो मंदिरों में पुनः जान आ जाएगी, ऐसा आपसे निवेदन। क्योंकि कुछ दोष इसलिए नहीं कह सकते जनरलों में, डॉक्टर की किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास दिखाने क्यों जाना पड़ता है? किताब लिखो ना कि हमें ये बीमारी है, दवाई भी लिखी है, तो फिर डॉक्टरों की जरूरत क्या पड़ी? डॉक्टर भी किताब में से तो पढ़ के आया है, अपन पढ़ लेंगे। नहीं, किताब से पढ़ के दवाई लेना अलग चीज है और डॉक्टर के माध्यम से दवाई लेना अलग चीज है। तो ऐसे पढ़ा देने पर यदि लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो उल्टा सीधा और हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, परेशानी। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी घोषित नहीं की जा सकती। सारा नेट पर डला हुआ है इंजीनियर के पॉइंट, कितना सरिया कितना सबको सब कुछ लगा है, तो बिना इंजीनियर के स्वयं ही पढ़ लो ना। इसलिए कितने बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, उसे 2 साल प्रैक्टिस करना पड़ती है। होम साइंस पढ़ने वाला और रसोई बनाने वाले में बहुत अंतर है। किताब को देख के देख करके यदि उसने तुम्हें सामान बनाया तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी वास्तु के संबंध में मैं समय समय पर बोलता रहता हूँ, लेकिन एकदम निर्णय नहीं दे सकता कि तुम जो बोला, क्योंकि हर मंदिर की अलग अलग दिशा होती है, एनर्जी होती है, वहाँ के चारों तरफ का वातावरण होता है। एक समान कोई सूत्र लगते हो तो बता दें, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न दशा की स्थिति होती है, इसलिए ऐसा मैं बोल नहीं सकता ऐसा। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जीते हुए बहुत कुछ कमाते हैं और कुछ बहुत कुछ खर्च भी करते हैं, महाराज जी जिज्ञासा है कि हम मृत्यु के बाद अपने साथ क्या ले जाएंगे, कृपया मार्गदर्शन दीजिए और पूज्य आचार्य गुरुवर को श्रमण संस्कृति का संवाहक क्यों कहा जाता है? आप लोग क्या ले जाओगे मुझे पता नहीं, मैंने तो अपनी पुटरिया बांध ली कि मैं कितना ले जाऊंगा, मेरा सामान तो निश्चित है, उतना सामान तो मेरे पास जाएगा, सम्यक दर्शन मेरे साथ जाएगा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति मेरे पास जाएगी, जो कुछ भी मैंने अपने बनाया वो बिल्कुल फिक्स कर लिया है। अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग क्या क्या साथ ले जा सकते हो, क्योंकि हमने तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज से जितने अभी तक मर के गए उन सबसे पूछ लिया कि बॉर्डर पर क्या क्या छूट है, बॉर्डर होती ना, तो क्या क्या लेके जा सकते हम, तो उन्होंने पूरे सामान की लिस्ट दे दी कि ये चीज़ें तुम लेकर आ सकते हो, बॉर्डर पर कोई बाधा नहीं है। अब तुम जो जो चीज़ें लेना चाहते हो वो तो बॉर्डर पर ही छीन ली जाएंगी, क्योंकि तुम लेना चाहो देना चाहो धन दौलत परिवार आदि वे नहीं जाएंगे। हमारी संपत्ति जो है वो साथ जा सकती है, आगम के अनुसार शास्त्र के अनुसार हमारे जो लेशिया है परिणाम है, हमारा जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन भवांतर में भी ले जा सकता हूँ, और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वही है। तो
तो मुझे तो वीजा मिल गया कि इतना सामान तुम ले जाना, और आपको भी यदि इतने ही ले जाना हो तो आपको भी वीजा दिलवा दूंगा। लेकिन तुमने कुछ यहाँ वहाँ की चीज जोड़ी फिर नहीं जा पाओगे। तो आज पंचम काल में व्यक्ति अपने बांधा हुआ पुण्य, अपना बांधा हुआ कर्म और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो रत्न भवांतर में भी ले जा सकते हैं, ले जाना ही चाहिए। आचार्य श्री को श्रमण संस्कृति का संवाहक क्यों कहते हैं? संवाहक इसलिए कहते हैं कि आगे बढ़ाने वाला। आज श्रमण संस्कृति लोप हो गई थी, श्रमणता चालू हुई थी पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय, लेकिन एक ही आचार्य कितना काम करते, उनके समय बहुत सारी परिस्थितियाँ थी। बाद में धीरे धीरे श्रमणता तो प्रादुर्भूत हुई, लेकिन साथ में शीतलाचार भी बढ़ा, साथ में संघ संचालक, संघ चौके, संघ की व्यवस्थाएं, शीतलाचार के ऊपर भी साधुओं का प्रभाव गया। तो पूज्यवर कुंद आचार्य महाराज ने अपनी साधना के बल पर कुंद कुंद की उस चर्या को जीवित किया जो बीच में लोप हो चुकी थी, और आज उन्होंने दिखा दिया कि बिना परिग्रह के, बिना आरम ताड़म के भी मुनि चर्या पालन की जा सकती है। शास्त्रों में कैसी मुनि चर्या होती है इस चर्या को पालन करके पूज्यवर ने दिखाया, इसलिए आज उन्हें श्रमण संस्कृति संवाहक कहा जाता है, ऐसा माना जाए। श्रीमती सीमा जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पिच्छी का परिवर्तन चातुर्मास के उपरांत ही परिवर्तित किया। आप देखो आचार्य जी के आने के बाद कितना बड़ा कार्य हुआ महानुभाव, वो मेरे गुरु हैं, मुझे गर्व है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आचार्य जी ने कितनी चर्या, प्रायः प्रायः संघों में संघ के चौके और संघ की संचालिका चालू हो गई थी, प्रायः प्रायः जितने बड़े संघ थे, बाकायदा संघ चलता था, संघ संचालिका चलती थी, पूरा टीम टाम चलता था। आचार्य जी ने वो खत्म किया, इतना बड़ा संघ लेकर के भी इतने बड़े बिहार किए, लेकिन उन्होंने स्वयं के संघ का चौका नहीं चला, श्रावकों के चौकों पर चौके चलते गए। लोग श्रावक मुनि तो थे लेकिन चौका लगाना भूल गए थे, क्योंकि लोग समझते संघ का चौका है उसी में सामान दे देंगे, सब देखने पहुंच जाते। आज छोटे बच्चे भी सर आहार देने की हिम्मत करने लगे। दूसरी बात, इस पंचम काल में आचार्य श्री ने वह चर्या अपने आप में पालन की जिस चर्या को लोग कठिन बता रहे थे कि नहीं आज ये व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, आज युवा वर्ग मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, उन्होंने वो दिखा दिया। आज कितनी चर्याएं थीं आगम में जो छुपी पड़ी थी पंचम काल की आड़ में, लोग कहते थे पंचम काल है, हीन संगन है, बिना इसके कैसे चलेगा। महाराज ने दिखा दिया कि आज भी तिलतुष्मात परिग्रह रखे बिना भी बहुत अच्छी श्रावक चर्या पालन हो सकती है, और इसलिए उनकी आज श्रमण संस्कृति को बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, ऐसा माना। श्रीमती सीमा जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पिच्छी का परिवर्तन चातुर्मास के उपरांत ही परिवर्तित की जाती है, अन्य समय में क्यों नहीं की जाती? कर सकते हैं कोई चातुर्मास के समय, मैंने कल परसों बता दिया था ना, क्योंकि दशलाक्षण दशहरा के दिवाली के बीच में पंख, नए पंख मयूर छोड़ता है, तो जो एक डेढ़ महीने पंख होता है दशहरा के बाद से दिवाली अष्टान का मान लो, कार्तिक का महीना मानो, कार्तिक का महीना जो है यह पंखों को छोड़ने का उनका योग होता है, चातुर्मास में उनके पंख पकते हैं और इतने पक जाते हैं बरसात आदि से कि वो यूं करके झड़ाता है, और यदि नहीं झड़ेगा तो वो छोंच से निकालता है, उसको खुजली चलती है। सांप की कांचली, मयूर का पंख, ये दो दुनिया में ऐसे हैं जो स्वयं अपनी वस्तु से बाद में दुखी हो जाते हैं। सांप की जब कांचली आ जाती है
यदि वो कांचली ना निकाले तो तड़प तड़प के मरता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए वो निकालता है, बड़ी वेदना से निकालता है, कांचली को छोड़ता है। ऐसे ही मयूर पंख यदि नहीं निकाले जाए, नहीं निकले तो उसको बहुत तकलीफ होती है, निकालने के बाद उनको शांति होती है और नए पंख आ जाते हैं। प्रतिवर्ष पंख आते हैं, प्रतिवर्ष पंख झड़ते हैं, ऐसा मानना। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नौ कर्म किसे कहते हैं और कर्म बंध की प्रक्रिया में नौ कर्मों का क्या प्रयोजन है? पुराना प्रश्न है, हालांकि आ चुका है, 5-6 दिन पहले आया था। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिभागी प्रतिच्छेद जानने की है, ये क्या होते हैं और इनको जानने से क्या लाभ है? अविभागी प्रतिच्छेद कहलाते शक्त्यंश, इसकी शक्ति कितनी है, पावर कितना है आपकी भाषा में। जैसे मान लो एक लकड़ी है, अब लकड़ी कोई इतनी छोटी होती है यूँ टूट जाती है, सागौन की और कठोर होती है, शीशम की और कठोर होती है, तो जो शक्त्यंश हैं उसकी शक्ति विशेष को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभागी इसलिए कहते हैं, उस शक्त्यंश का हम बंटवारा नहीं कर सकते, उससे छोटी कोई शक्ति नहीं होती है, उससे कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं होती है अविभागी प्रतिच्छेद, क्योंकि उसको हम जान सकते हैं लेकिन पृथक नहीं कर सकते। अविभागी यानी घी में से चिकनाहट को अलग करना, तो फिर वो घी नहीं रहेगा, वो घी छोड़ा हुआ रहेगा। तो शक्ति को वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अविभागी कहते हैं। और प्रतिच्छेद का अर्थ होता है शक्त्यंश, शक्ति अलग हो गई तो वस्तु कैसे रहेगी, वस्तु अलग हो गई तो शक्ति कहाँ से रहेगी, इसलिए प्रत्येक वस्तु की हमें शक्ति को जानना जरूरी है। बिना शक्ति को जाने बिना हम अपने परिणामों को निर्मल नहीं बना सकते। जैसे हमारे लिए आकुलता हो जाए, मैं सिद्ध भगवान का दर्शन करके रहूँगा, मैं सिद्ध भगवान का दर्शन करके रहूँगा, क्योंकि हमने सुना है कि अरहंत भगवान सिद्ध भगवान का दर्शन कर लेते हैं। अब मैंने जिद कर ली मैं करूँगा, मर जाऊँगा तो भी नहीं होगा, पर उन्होंने तो देखा था तो मैं भी देखूंगा। तो शक्त्यंश से क्या होगा, यदि हमें शक्त्यंश का ज्ञान होगा तो हमें तुरंत जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हम मति शुद्ध ज्ञान में स्थित हैं, इस ज्ञान में सिद्ध भगवान को देखने की शक्ति ही नहीं है, तो हमारे परिणाम शांत हो गए कि नहीं। शक्त्यंश, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कोई भोजन कर रहा है, तुम्हारा मन मचल गया कि नहीं मुझे भी ये खाना है, और खाने के बाद तुम बीमार पड़ जाओगे, और अपने शक्त्यंश को जानते होगे वो खा सकता है, मेरी शक्ति नहीं है भोजन पचाने की। तो प्रत्येक वस्तु की शक्ति यानी योग्यता को पहचाने बिना हम कार्य का कैसे संपादन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यह वस्तु इतने योग्य है, तो हमें जानना चाहिए। नए नए शब्द होते हैं, एनर्जी बोलते हैं, आज की भाषा में एनर्जी बोलो, और उसके बाद बोलो उसका पावर देखो, इसका पावर कितना है, स्टेपना देखो, इसकी स्टेपना कितनी है, ताकत अपनी हिंदी भाषा में बोलो इसकी ताकत कितनी है। साहित्य भाषा में अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है। सुब्रा जैन सिरोन से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, मैं पाठशाला की छात्रा हूँ, एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि अपने लिए भोजन बनाना चाहिए और उसमें से ही आहार दान देना चाहिए और अपनी कमाई में से ही दान देना चाहिए, तो महाराज जी हम बच्चे ना तो भोजन बनाते हैं ना कमाई करते हैं, तो हम क्या अपनी पॉकेट मनी से दान करके पुण्य कमा सकते हैं? कमाना ही चाहिए, जो पॉकेट मनी है वो तुम्हारी निजी मनी है, तुम्हारी निजी है तो वो दे सकते हो। हमारे यहाँ किसी श्रावकाचार्य में लिखा, कोई ब्रह्मचारी ऐसा है जो आहार सब घर का त्याग है, लेकिन जिसके यहाँ निमंत्रण हुआ है उनके यहाँ यदि महाराज प्रगहन किए गए, तो चूंकि वहाँ निमंत्रण है
तो उस भोजन का भागीदार वो भी है, तो उसके यहाँ जाकर के वो भी महाराज को आहार दे सकता है, क्योंकि उसका निमंत्रण वहाँ है। इसलिए ये सब भागीदारी की बातें हैं। तो हो सकता है अपनी पॉकेट मनी में, और फिर भी यदि पॉकेट मनी नहीं भी है तो तुम्हारा अंश है उस परिवार में, क्योंकि वहाँ तुम भोजन करते हो और घर में तुम्हारे संपत्ति पर बलि पिताजी ने कमाई है, लेकिन कानून की दृष्टि से पिता की संपत्ति पर बेटे का अंश है, बेटी का अंश है। कानून भी कहता है संपत्ति पिता की है, तुमने कुछ भी नहीं कमाई, लेकिन उस पर बेटी का और पुत्र का अंश होता है, शक्ति होती है। इसलिए बिना कमाए भी अपने माँ बाप की संपत्ति का दान करते हैं तो भी आपको दोष नहीं है, क्योंकि आप उसके पार्टनर हैं, एक अंश आपका भी है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज चीपी टोला के निर्मल सदन से हम यहाँ पर जिज्ञासा समाधान आपके पास सीधे ला रहे हैं, लेकिन आज जिससे पहले हम जिज्ञासाओं की ओर बढ़े, प्रातः काल का उल्लेख करना आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ पर आज जो हमने देखा आगरा में सर्वश्रेष्ठ दृश्य अगर कहीं दिखा तो वह चीपी टोले में दिखा, क्योंकि आज यहाँ पर अभिषेक विधि जो लालसा यहाँ की समाज में दिखी उससे लगा बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है हमारे नगर आगरा में और खासकर चीपी टोले में। जिस रुचि के साथ आज प्रातः 3.5 घंटे लोगों ने बैठकर सुना, समझा और जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, उसके लिए यहाँ की पूरी समाज बधाई का पात्र है। और चलिएगा हम आगे की जिज्ञासाओं की ओर बढ़े, उससे पहले महाराज जी नारेली से सुकांत भैया कुछ कहते हैं, और उनका कहना, 3 दिन पूर्व पूज्य श्री ने एक संदेश दिया था इस मंच से और वो संदेश पूरे भारत में गूंज रहा है। पूज्य श्री ने कहा था कि अपने अच्छे दिन 3 जगह बिताने चाहिए, जो अपना आपका सबसे अच्छा दिन हो, एक परिवार के साथ, दूसरा किसी तीर्थ पर, या फिर तीसरा गुरु के पास। और इस बात पर नववर्ष की बात आई थी, क्योंकि आप अगर नववर्ष को अपना अच्छा दिन मानते हैं 1 जनवरी को, तो फिर महाराज जी ने कहा था अपना गुरु, तीर्थ या परिवार ढूंढ लो और वहां पर पहुंचो। बड़ी प्रसन्नता है, पूरे भारत के तीर्थ क्षेत्र भी तैयार है। सुकांत भैया नारेली से हमें सूचना देते हैं कि नारेली में विघ्नहार मुनि सुव्रत नाथ भगवान को विराजमान हुए 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और पूज्य श्री जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं उसी अनुसार 1 जनवरी 2024 को इस उपलक्ष्य में ज्ञानोदय परिवार मुनि सुव्रत नाथ भगवान का मस्तकाभिषेक का आयोजन 1008 सिद्धि कलशों से कराने जा रहा है, और साथ ही 31 दिसंबर, क्योंकि कुछ युवा 31 दिसंबर से ही चाहते हैं कि वो नववर्ष की विदाई भी करें, पूर्व वर्ष की और नववर्ष का स्वागत करें, तो उन्होंने 31 दिसंबर को भी शामिल किया है, और 24 मंडल भक्तांबर मुनि सुव्रतनाथ विधान का आयोजन वहां पर किया है। पूज्यवर, इस आयोजन के लिए उन्होंने कहा है आपका आशीर्वाद प्रदान करें। सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। इसी प्रकार 31 का महत्व भी आज इस प्रसंग में प्रश्न आया तो स्मरण में आ गया। पूरी साल भर में जितनी गलतियां हुई हो, चूक हुई हो, यदि अंतिम दिन अच्छा निकल जाता है तो साल भर को अच्छा मान लिया जाता है। कहते ना, कितनी भी गलती कर दो अंत में आई एम सॉरी प्लीज। तो 31 तारीख का भी महत्व तो आज बता दूं, प्रश्न आया है तो तुरंत ध्यान में आया। 31 तारीख का अंतिम साल है, और अंतिम विदाई यदि अच्छी हो जाए, मान लो कई बार हमने देखा आगवानी में शुरुआत में आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, मन करता है कि यहाँ गलत आ गए, लेकिन बाद में इतना अच्छा उत्साह और विदाई करते हैं।